नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक साथ होने के बाद जाने प्रैक्टिकल समेत मूल्यांकन कार्य का पूरा शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2023 मार्च में होगी। होली के बाद तीसरे सप्ताह में परीक्षा शुरू हो सकती है, जबकि प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा 20 फरवरी के बाद शुरू हो सकती है। प्रैक्टिकल के साथ आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया भी फरवरी में पूरी कर ली जाएगी। दोनों परीक्षा एक टर्म में होगी। आप सबको बता दो कि परीक्षा का प्रोग्राम जनवरी में जारी किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा, जबकि मई के अंतिम सप्ताह से 10 जून के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना है। जैक द्वारा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिला स्तर से परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट जैक को भेज दी गई है। आप सबको बता दूं कि मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 का मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार कर लिया गया है। JCERT द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जैक को भेज दिया गया है। जैक की वेबसाइट पर मॉडल सेट प्रश्न पत्र इस सप्ताह जारी कर देने की उम्मीद है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा एक टर्म में ली जाएगी। परीक्षा OMR शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी। परीक्षा में 40 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जबकि 40 अंक के अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। रांची के चिल्ड्रन पार्क में 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगेगा न्यू ईयर का मेला। झारखंड की राजधानी रांची में इस साल नए अंदाज में नए साल का स्वागत किया जाएगा। राजधानी के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान स्थित चिल्ड्रन पार्क में 22 दिसंबर से न्यू ईयर मेला की शुरुआत हो जाएगी, जो 2 जनवरी 2023 तक चलेगा। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसका लोग आनंद ले सकेंगे। इस न्यू ईयर मेला में 150 से अधिक स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, वहीं मनोरंजन के कार्यक्रम भी होंगे। आयोजकों ने बताया कि रांची स्थित चिल्ड्रन पार्क में पहली बार नए साल का इस शानदार तरीके से आगाज होगा। आप सबको बता दूं कि रविवार को यानी कि 11 दिसंबर 2022 को दोपहर से शाम तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी दौरान जो है न्यू ईयर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अलग अलग कार्यक्रम के जरिए लोगों को इस मेला में अपना स्टॉल बुक कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कहा कि मेला के प्रचार प्रसार के लिए झारखंड के सबसे विश्वसनीय मीडिया संस्थान इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जा रही है। टीम ने कहा कि झारखंड की राजधानी में न्यू ईयर मेला में 12 दिन अलग अलग थीम होंगे। हर दिन उस थीम के आधार पर मेला की सजावट की जाएगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए इवेंट होंगे जिसमें सभी उम्र के लोग भाग ले सकेंगे। सारी प्रतियोगिता निःशुल्क होगी, लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फरिया दारू बेचना बंद कर खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े ग्रामीण सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। गुमला के हवाई अड्डा में खतियानी जोहार यात्रा हुई, 30,000 से अधिक भीड़ थी। सीएम हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से पहुंचे, उनका गुमला में भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से अधिक हो गया। इसमें 15 से 16 साल भाजपा ने शासन किया, उस सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि 2019 में महागठबंधन से जब हमारी सरकार बनी तो उस समय कोरोना काल के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया, इससे हमारा राज्य भी अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। कोरोना काल में हमारे राज्य के काफी संख्या में मजदूर दूसरे प्रदेश और विदेशों में फंसे हुए थे, जिनको हमने यहाँ प्लेन, ट्रेन और बसों में भरकर वापस लाया। सीएम श्री सोरेन ने लोगों से हड़िया दारू की बिक्री बंद करने और खेतीबाड़ी और पशुपालन करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि इस राज्य में लोगों का नशापान कराने के लिए एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को हड़िया दारू में डुबोना चाहते हैं। सिर में हड़िया दारू लेकर बेचने जाने से बेहतर है कि सिर पर योजनाओं की गठरी लेकर चलें। उन्होंने यह भी कहा कि अब देखा जा रहा है कि राज्य में जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें 45% बच्चे कुपोषित मिल रहे हैं। राज्य की 50% महिलाएं खून की कमी से ग्रसित है। इसके निदान के लिए पूर्वजों की परंपरा को अपनाएं, केला पपीता सहित अन्य फलों और हरे साग सब्जियों की खेती करें, पशुपालन करें। इसके सेवन से कुपोषण एवं खून की कमी की समस्या दूर होगी। खेत खलियान गाय बकरी ही असली धन है। सीएम ने यह भी कहा कि पहले जो है पेट्रोल 40 से 50 रुपए लीटर मिलता था, लेकिन अब 100 रुपए लीटर मिल रहा है। पहले जो है दाल 90 रुपए प्रति किलो मिलता था, लेकिन अब जो है 150 से 200 रुपए किलोग्राम मिल रहा है। पहले गैस सिलेंडर 300 से 400 रुपए में मिलता था, अब जो है 1100 रुपए में मिलता है। ट्रेन में टिकट का दाम भी महंगा हो गया है। कई ऐसी चीजें हैं जो महंगी हो गई है, जो भाजपा सरकार की देन है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जो है आपके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, रोजगार पर फोकस कर काम कर रहे हैं। गांव और आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए प्राथमिकता के तौर पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर जो है मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक भूषण तिर्की, विधायक जिज्ञासु सारण होरो सहित कई बड़े नेता थे। पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, 2 जनवरी को फिर होगी सुनवाई। झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत नहीं मिली। पूजा की याचिका पर जस्टिस अभय एस ओका की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की जांच का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई 2 जनवरी 2023 को होगी। आप सबको बता दूं कि पूजा सिंघल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। सड़कों की गुणवत्ता पर ही नहीं बल्कि पुरानी सड़कों की मरम्मत पर भी है हमारा फोकस, आलमगीर आलम ने कहा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जागरण राउंड टेबल कार्यक्रम में अपने कार्यकाल की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार पहली बार ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कराने जा रही है और पुरानी सड़कों की मरम्मत पर भी हमारा फोकस है। अन्यथा होता यह था कि ग्रामीण इलाकों में एक तरफ से सड़कें बनती थी और दूसरी तरफ से वे टूटने लगती थी। हमने सुनिश्चित कर दिया है कि नई सड़कों की गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर पर हो ताकि ये अधिक दिनों तक उपयोगी हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य में शीघ्र ही 3500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के टेंडर होने जा रहा है और केंद्र सरकार ने भी 3300 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब जो है तमाम पुल पुलियों के अप्रोच रोड के लिए भूखंडों के अधिग्रहण की अनुमति विभाग को दे दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पीछे रहने की बात स्वीकारते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार में ही बैकलॉग हुआ था। इसके अलावा कोरोना महामारी और एनजीटी आदेश के कारण बालों की किल्लत ने योजना की रफ्तार धीमी कर दी। अब हम लोग आवास प्लस योजना के तहत इकाइयों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री से आग्रह कर चुके हैं और अब जो है एक बार मुख्यमंत्री के स्तर से भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मनरेगा को राज्य सरकार ने प्राथमिकता में रखते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए और 12 लाख मानव दिवस तक का लक्ष्य हासिल किया। बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जाने के बावजूद गड़बड़ियों पर नजर रही और जहां भी ऐसे मामले पकड़ में आए हमने कार्रवाई की। मुकदमे भी हुए और अधिकारी तक सस्पेंड भी हुए। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि कई प्रखंडों में मनरेगा गाइडलाइंस के अनदेखी कर जितने भी काम हुए जिनकी जानकारी मिली है उसके खिलाफ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई भी चल रही है। 44 साल के इमाम 3 महीने से बच्ची से कर रहा था गंदी हरकत, हुआ गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा में मदरसे में 8 साल की बच्ची से इमाम 3 महीने से रेप कर रहा था। बच्ची चुपचाप सब सहती रही लेकिन रविवार को उसने इमाम की गंदी हरकत को परिवार से बताया। परिवार ने पुलिस में FIR दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी इमाम को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप सबको बता दूं कि घटना सिमडेगा के कोलेबिरा की है। यहां 44 साल का इमाम अमीनुल्लाह उर्फ अमीन मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ बच्ची पढ़ने आती थी। रविवार को उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने पूरी घटना परिवार को बताई। उसने बताया कि इमाम 3 महीने से गंदी हरकत कर रहा था। परिजन मदरसा पहुंचे, इसके बाद इमाम फरार हो गया। बच्ची को लेकर परिवार और अंजुमन कमेटी के सदस्य थाने पहुंचे। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी। फरार इमाम को लोहरदगा जिला के कुडू से गिरफ्तार कर लिया गया। इमाम को पुलिस ने फिलहाल पूछताछ कर रही है। बच्ची को मेडिकल के लिए सिमडेगा भेज दिया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ साथ मस्जिद और मदरसा चलाने वाले सदर अंजुमन कमेटी ने भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अंजुमन के सदस्यों ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया है। इमाम पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। स्प्रिट लदे टंकर ने 2 ट्रक को मारी टक्कर, टला बड़ा हादसा, लग सकती थी आग। हजारीबाग के सरही घाटी में भीषण सड़क दुर्घटना हुई। स्प्रिट लदी टैंकर 2 ट्रकों को धक्का मारते हुए बीच सड़क पर पलट गई। टैंकर यूपी के पीलीभीत से स्प्रिट लेकर जमशेदपुर जा रही थी। इस भीषण सड़क दुर्घटना में अब तक किसी के जान जाने की खबर नहीं है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ट्रक में आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आप सबको बता दूं कि चरही घाटी के अंतिम छोर पर यह हादसा हुआ है। स्प्रिट लदे टैंकर का संतुलन अचानक बिगड़ गया। गाड़ी के चालक शफीक और उपचालक ने चलती हुई गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी बिना चालक के लगभग 100 मीटर तक चली, फिर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरे ट्रक से टकरा गई।
दूसरे ट्रक में प्लाई लदे थे। दूसरी ट्रक का चालक संजीव कुमार झा अपनी गाड़ी सड़क के बगल में खड़ी कर टायर की दुकान पर गया था। गाड़ी में मौजूद न होने की वजह से ड्राइवर संजीव की जान बच गई। टैंकर इतने में ही नहीं रुकी, सड़क पर आ रही एक और ट्रक को उसने अपनी चपेट में लिया। इसके बाद टैंकर सड़क पर पलट गई, स्प्रिट सड़क पर बहने लगे। आसपास के ग्रामीण स्प्रिट को शराब समझकर अपने अपने सुविधा अनुसार ले जाने भी लगे। चरही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को स्प्रिट घर ले जाने से रोका। आसपास के लोगों का कहना है कि स्प्रिट में अगर आग लग जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। चरही पुलिस ने सड़क के एक लेन को ब्लॉक करवाया। इस क्रम में लगभग आधा घंटा NH-33 सड़क जाम रहा। टैंकर के चालक जो कि सड़क के किनारे कूदने से घायल हुए थे उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल रांची में शुरू होगी DNB कोर्स की पढ़ाई, जाने झारखंड के लिए कैसे साबित होगा फायदेमंद। सदर अस्पताल रांची में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा ऑप्स एंड गायनी में डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्स शुरू किया जाएगा। सदर अस्पताल रांची में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा ऑप्स एंड गायनी में डिप्लोमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी कि DNB कोर्स शुरू किया जाएगा। यह स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष होगा। बोर्ड ने निरीक्षण के बाद 4 सीटों के लिए अपनी मंजूरी दी है। इसमें 2 सीटों पर पोस्ट MBBS स्टूडेंट दाखिला ले सकेंगे, वहीं 2 सीट पर पोस्ट डिप्लोमा स्तर के विद्यार्थी नामांकन लेंगे। मान्यता से जुड़ा एक्रीडिएशन अस्पताल प्रबंधन को प्राप्त हो गया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU के मुताबिक विद्यार्थी नीट PG एग्जाम 2023 के माध्यम से इन सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। PG काउंसलिंग के वक्त उनके सामने MD MS के साथ ही DNB यानी कि ऑप्स एंड गायनी कोर्स के लिए अब सदर अस्पताल रांची का भी विकल्प मौजूद रहेगा। यह अस्पताल इस क्षेत्र का पहला जिला अस्पताल होगा जहां इस तरह की उपाधि दी जा सकेगी। आप सबको बता दूं कि मई महीने में इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। आप सबको बता दूं कि कोर्स शुरू होने के बाद यहां रिसर्च वर्क के आधार पर स्त्री एवं प्रसूति रोग की पढ़ाई होगी। कोर्स का उद्देश्य राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करना है। इसका सत्र जो है 3 साल का होगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।